प्रश्न 16, नीचे की आकृति में x के कौन से मान से पीओक्यू एक रेखा हो जाएगी? तो इसका चित्र इस तरह से बना हुआ है। यह है 2x, यह है 3x प्लस 10 डिग्री, 3x प्लस 10 डिग्री, और यह है q, यह है r, यह है p। तो कह रहा है कि x के कौन से मान से POQ एक रेखा होगी। तो POQ को एक रेखा होने के लिए क्या होना होगा, तो लिखेंगे यहाँ पे रैखिक युग्म, रैखिक युग्म से POQ एक रेखा होगा यदि, तो देखिए रैखिक युग्म से POQ एक रेखा होगा यदि, तो हम लिखेंगे रैखिक युग्म से POQ एक रेखा होगा यदि कोण POQ बराबर 180 डिग्री। तो अगर कोण POQ 180 डिग्री हो जाए तो POQ क्या हो जाएगा, एक रेखा, ठीक है, क्योंकि एक रेखा पे क्या होता है, कितना का डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो रैखिक युग्म से POQ एक रेखा होगा यदि कोण POQ बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो कोण POQ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कोण POQ बराबर हम लिख लेंगे कोण POR जोड़ कोण QR। तो कोण POQ में देखिए दो कोण आ रहा है, कोण POQ में ये POQ हो गया बड़ा वाला कोण, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, और इसमें दो कोण है, तो कोण POQ बराबर हम लिख सकते हैं कोण POR जोड़ कोण QOR। तो कोण POQ के जगह पे हम लिख लेंगे कोण POR जोड़ कोण QOR बराबर 180 डिग्री। तो कोण POR और कोण QOR, तो कोण POR और कोण QOR को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, कोण POQ, ठीक है। तो अब हम लिख सकते हैं कोण POR कितना है, देखिए कोण POR है 2x, तो कोण POR के जगह पे लिख लेंगे 2x प्लस कोण QOR कितना है, 3x प्लस 10, तो कोण QOR है 3x प्लस 10 बराबर लिख लेंगे 180, ठीक है, इस तरह लिख लेंगे। तो कोण POR दिया हुआ है 2x, कोण QOR है 3x प्लस 10, तो कोण QOR के जगह पे 3x प्लस 10 लिख लेंगे और कोण POR के जगह पे 2x लिख लेंगे। तो 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x, ठीक है। तो कोण POR के जगह पे क्या लिख लेंगे, 2x, और कोण QOR के जगह पे लिख लेंगे 3x प्लस 10, तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 180। तो 5x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 10, 10 को इधर लाएंगे बायां से दायां तरफ तो माइनस में हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 180 में से 10 घटाएंगे 170 बटा 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 170 बटा 5, 180 में से 10 घटाएंगे तो 170 और 5 को इधर लाएंगे तो भागम हो जाएगा, यानी
170 को 5 से भाग देंगे तो 5 दिया 15, 2 इधर गया, 5 20 यानी x बराबर आ गया 34। x बराबर कितना आ गया 34। तो लिखेंगे अतः x बराबर 34 डिग्री से पीओ क्यू एक रेखा हो जाएगी। तो x बराबर 34 डिग्री से पीओ क्यू क्या हो जाएगी, एक रेखा। तो पूछ रहा था कि x के कौन से मान से पीओ क्यू एक रेखा हो जाएगी। तो x अगर 34 डिग्री हो जाए तो पीओ क्यू क्या हो जाएगा, एक रेखा। तो इस तरह से प्रश्न 16 हल करेंगे।